नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इस समय कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की जान भी ले सकता है। लेकिन जब पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति की जान लेती है तो पुलिस की ही नहीं, पूरे समाज की नज़रें उस पर लग जाती हैं। आज एक ऐसी ही पत्नी की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिसने अपने आशिक के साथ मिल करके पहले तो सारे क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखे, महज इसलिए कि वो अपने पति को आसानी से रास्ते से हटा सके, उसे मार सके। कलजुगी बीवी की आग यही नहीं बुझी, बीवी ने शौहर का कत्ल तो किया ही, साथ ही पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ऐसा ढोंग रच दिया, एक ऐसी कहानी रच दी जिसके चक्कर में अदालत से लेकर के पुलिस महकमा करीब एक साल तक घन चक्कर बना रहा, बल्कि यूं कहिए कि वो इधर उधर भटकता रहा। 15 अगस्त 2020 को ग्वालियर के हसरापुर थाने में फेरन जाटव नाम के एक शख्स की गुमशुदगी की रिपोर्ट होती है उसकी पत्नी की ओर से, पत्नी मालती। मामला दर्ज होते ही पुलिस फेरन की तलाश में जुट जाती है और सारे हथकंडे अपनाने के बाद भी फेरन का कुछ पता नहीं चल पाता। केस की जांच करते करते कई महीने गुजर गए तो पत्नी ने कोर्ट में एक रिट दायर कर दी। इसके बाद तो कोर्ट ने भी पुलिस को काफ़ी फटकार लगाई और मालती के पति फेरन को जल्दी से जल्दी तलाश करने के निर्देश दिए। मालती अब रोज पुलिस थाने के चक्कर लगाने लगी ताकि वो अपने पति की तलाश कर सके। तभी फेरन के भाई ने पुलिस के सामने अपने भाई के लापता होने के पीछे भाभी मालती की ही साजिश होने की बात कह दी। इसी दौरान एक रोज पुलिस को जांच में ऐसे सबूत मिले जिसके आधार पे शक की सुई मालती की तरफ मुड़ गई। जांच हुई और एक रामावतार नाम के शख्स का नाम भी मालती के साथ जुड़ के सामने आया। इतना पता चलने के बाद पुलिस ने पूरे अपने गुप्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और दोनों की कुंडली खंगालनी शुरू की। तब जाकर ये पता चला कि मालती और रामावतार का फेरन की नाक के नीचे ही अफेयर चल रहा था, यानी कि पति को पता ही नहीं था और मालती अपने प्रेमी के साथ अपने संबंध बनाए चले जा रही थी। अफेयर की बात पता चलते ही पुलिस का शक इन दोनों पर गहरा गया और उनसे पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें बुलाया। पुलिस को अंदाज तो लग ही गया था कि अपने पति फेरन की गुमशुदगी में कहीं ना कहीं मालती का हाथ तो है ही, बस उसे पक्का करना था। इसलिए पुलिस ने दोनों से कई पेचीदा सवाल किए और आखिरकार मालती और राम अवतार दोनों ही पुलिस की बातों से इस कदर उलझे कि अपने गुनाहों की सारी कहानी उन्होंने पुलिस के सामने एक एक करके बयां कर दी। दोनों ने पुलिस को बताया कि उनके प्रेम संबंध की जानकारी फेरन को लग चुकी थी, जिसके बाद फेरन ने अपनी पत्नी मालती को कई बार समझाने की कोशिश भी की, लेकिन मालती किसी भी हालात में राम अवतार यानी कि अपने बॉयफ्रेंड को, अपने प्रेमी को छोड़ना नहीं चाहती थी। मालती ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति को मारने का फुल प्रूफ एक प्लान किया। मर्डर का प्लान बनाने से पहले मालती ने अपने आशिक के साथ मिल करके क्राइम पेट्रोल के सारे एपिसोड देखे ताकि वो इस तरीके से अपने पति को मार सके कि पुलिस के हत्थे भी न चढ़े और उसने जो किया है उसका किसी को पता भी न चले। 6 अगस्त 2020 के दिन राम अवतार और उसका एक दोस्त फेरन को किसी बहाने से चपरौली मौजा में लेकर पहुंचे, जहां दोनों ने लोहे के पाइप और पत्थर से उसके सिर पे जम करके वार किए। फेरन पर वो दोनों किसी कहर की तरह बरसे। लगातार होते हमलों से फेरन जाटव ने मौके पे ही दम तोड़ दिया। फेरन के कत्ल के बाद उसकी लाश एक पुराने कुएं में फेंक दी गई और ऊपर से मिट्टी डाल करके पौधा लगा दिया गया। हैवान और शातिर बीवी मालती की निशानदेही पे ही पुलिस ने कुएं से जो पौधा निकाला वो पेड़ बन चुका था, उसे कटवाया गया और उसके बाद गोताखोर ने कुएं से
फिर उनके कंकाल बरामद किए। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से एक पत्नी ने अपने पति जिसके साथ उसने साथ फेरे लिए और जन्मों तक साथ निभाने का साथ दिया, उसने एक झटके में अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर दी। और देखिए उन्होंने कुएं में डाल करके उसको उसके ऊपर एक पौधा भी लगा दिया। हद तो ये थी कि उसने इतना फुल प्रूफ इंतज़ाम किया था कि किसी को पता ना चले। खुद ही उसने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की ताकि कोर्ट भी पुलिस को ये कहे कि वो जल्द से जल्द राम अवतार को ढूंढे। राम अवतार को बचाने के लिए उसने ये सब किया, उसके पति फेरन को वो ढूंढे। आपको ये कंटेंट कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।